नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि आप जानते हैं, 13 दिसंबर को कल अटैक हो गया पार्लियामेंट में। अटैक कहा जाए या क्या बोला जाए, इसका एग्जैक्ट वर्ड कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुआ है। सिक्योरिटी में सेनमारी कह सकते हैं आप इसको, जरूर हुआ है। उन जो चार लड़के थे, उनका मकसद नहीं था किसी को हार्म करना। हालांकि जो उनका तरीका था वो बिल्कुल गलत है, उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप पार्लियामेंट में अंदर घुस के इस तरीके का रवैया नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात है, आपके पास कई सारे तरीके हैं पहुंचाने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी तक, बट ये सरासर गलत तरीका है। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच है, बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है। और इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि अगर चार लड़के जो बिल्कुल आम बैकग्राउंड से आते हैं, वो अगर पार्लियामेंट में जाकर के ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो फिर दूसरों के बारे में हम सोच सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। हम जानते हैं 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था, और उस समय आतंकवादी हमला हुआ था और कई लोगों की जान भी चली गई थी। हालांकि वो पकड़े गए थे, बट फिर भी वो बहुत ही बड़ा था और उससे बहुत कुछ सीखा गया था, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और ये वाला जो अटैक हुआ, ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुआ है, जब लोकसभा का विंटर सेशन चल रहा था तब। तो इसको भी मतलब देखना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ, क्या था आज का जो जो कल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। मैं उसका वीडियो आपके लिए लाया था, देख। दो लोग ऊपर से कूदते हैं, जहां बैठने की जगह थी वहां से कूदते हैं। ये देखिए, ये लड़का भागता हुआ जा रहा है आगे, इधर उधर भागने की कोशिश करता। फिर लोगों, सारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने घेर लिया उनको। और ये कल जो 13 दिसंबर था, 22nd एनिवर्सरी भी थी, तो इन्होंने बड़े सोच समझ के दिन लग रहा चुना है। अभी खैर बोला नहीं जा सकता इसके बारे में, बहुत सारी बातें सामने आएगी। और फिर पार्लियामेंट के कुछ MP ने उसको पकड़ा, थोड़ा बहुत मारा, फिर सिक्योरिटी स्टाफ के हवाले कर दिया दोनों को। ये देखिए किस तरीके से भाग के गए इन्होंने, फिर कैनिस्टर का यूज़ किया और धुआं धुआं कर दिया। ये देखिए, वैसे एक जो धुआं हो रहा है वो कोई हार्मफुल नहीं है, हम लोग सेलिब्रेशन में यूज़ करते हैं, हर जगह दीवार यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सभी डर गए होंगे वहाँ कितना ज़्यादा, कि ये कौन है, क्या करने आ गया अचानक, आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से उसने निकाला होगा बैग से और अचानक यूज़ करना शुरू किया होगा, तो मतलब सभी डर गए होंगे उस चीज़ को लेकर के। वो देखिए पूरा धुआं धुआं हो गया, और स्मोक खाली थोड़ा मोड़ा इरिटेशन करता है आँखों में और नाक में, ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा सकता है, क्योंकि वो ऊपर से कूद के आया, जहाँ पार्लियामेंट चल रही थी वहाँ पे कूदता है वो ऊपर से। और ये देखिए, यहाँ से वो ऊपर से कूदता है नीचे, इस साइड से शायद ऊपर से अटक के कूदता है नीचे, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई है नहीं, इसलिए वो कूदने में सफल हो गया। और वहीं उसके जो दोस्त थे, वो लोग बाहर भी कर रहे थे, दो लोग अंदर कर रहे थे, दो लोग बाहर कर रहे थे, उनमें से एक ये लेडी भी हैं, इन्होंने भी किया है, पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इनके बारे में देखें तो ये लोग 6 लोग थे, ठीक है, अभी जो सामने बात आ रही है 6 लोग हैं। सबसे पहला है सागर, एक UP का है ये बंदा, लखनऊ का रहने वाला है ये, वहाँ ये 12वीं पास है और ई रिक्शा चलाता है, ठीक है। और 2 दिन पहले ये घर में था, ये कहकर निकला था कि मैं धरने पे जा रहा हूँ। फिर दूसरा जो सामने नाम आया वो है मनोरंजन करके, कर्नाटका का, ये एक इंजीनियर है पर आजकल ये खेती कर रहा है। और इसी ने पासेस लाए थे, यही पास का इंतजाम किया था इसने, जो कि मैसूर के MP हैं, उनसे लिया था इसने, प्रताप सिम्हा जी से इसने ये पास हासिल किया था अंदर जाने के लिए। फिर तीसरे नीलम करके लड़की, जिसकी फ़ोटो अभी हमने देखा था, ये हरियाणा की रहने वाली है, और ये वैसे तो जिंद की रहने वाली है, लेकिन आजकल ये हिसार में रह करके तैयारी कर रही है अपना हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम की और STET एग्ज़ाम के लिए। चौथा बंदा है अमोल करके, महाराष्ट्र का, अमोल शिंदे रहने वाला है लातूर का, और ये ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है और पुलिस और सेना की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, साथ में दिहाड़ी मजदूरी करता है। इसके माँ बाप और दो भाई भी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। एक आदमी है गुरुग्राम का, विक्की नाम से, ये सब के सब उसके घर में रुके थे, ठीक है। और इसका और तो कुछ
अभी तक पता नहीं चला उसका और क्या रोल है। और साथ में एक और बंदा है ललित नाम का, जो कि हरियाणा का ही है, बट ये अभी फरार है, ये इसका पता नहीं चल रहा है इसका क्या रोल है। बाकी तो ये चार पांचों पकड़े गए, छठा फरार चल रहा है। अब बात होती है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों, तो प्राइमा फेसिया तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किया क्यों है, बट ये जिस तरीके से चिल्ला रहे थे वहाँ पे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और इनके घर वालों से बात की गई तो पता चला कि ये लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनको जॉब नहीं मिली लगी है, और कहीं ना कहीं सोशली और मेंटली थोड़ा सा परेशान है ये लोग। और ये लोगों ने, ये लोग ऐसे नहीं है कि मतलब साथ में पढ़े लिखे हैं, ये लोग फेसबुक पे एक ग्रुप के थ्रू मिलते हैं, शहीद भगत सिंह फैन ग्रुप करके ऐसे है कुछ, वहाँ मिलते हैं ये लोग, और लास्ट ईयर मिले थे ये लोग, और तब से फिर ये लोग धीरे धीरे दोस्ती करते हुए आगे बढ़े। और जितनी पूछताछ हुई है उसमें पता चल रहा है कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट जाने से पहले पहले ये इंडिया गेट मिलते हैं, आपस में कैनिस्टर्स को बांटते हैं, उसके बाद फिर ये जाते हैं अंदर ये चीज़ें करने के लिए। तो बहुत दुखद है, और इनका जो भी तरीका है ये सही नहीं है, और इनको समझना चाहिए कि बात रखने का बहुत सारे जरिया हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और आ रही है सामने कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पन्नू, हम सब जानते हैं आजकल इसको बड़ा फेमस रहता है ना, कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी अभी जो चल रहा था डिप्लोमेटिक बातें कि यूएस ने कहा था कि हाँ आपने इंडिया पर आरोप लगाया कि पन्नू को मरवाने की कोशिश की कर रहे थे, तो वो भी एक तरीके से इसलिए बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। कनाडा के साथ भी हमारा रिलेशन इसके चलते थोड़ा सा खट्टे में ही रहा बीच में। तो इसने अभी लास्ट वीक ही बोला था कि 13 या 13 दिसंबर से पहले कुछ ना कुछ अटैक होगा, और ये बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि 13 दिसंबर को ही इन लोगों ने ये कर दिया है। और अब इसने कहा है कि हाँ मैं इनकी पूरी लीगल एड वगैरह का सपोर्ट करूँगा इन लोग, इन छों का इसका कहना है, इसने अपना वहाँ बयान दिया है। और ये हमेशा से इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान देते रहता है। ये देखिए इसका एक बयान था, इसमें ये बोलता है दिल्ली बनेगा खालिस्तान, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया भी छोड़ेगा नहीं इसको, कुछ ना कुछ तो हम भी इसके खिलाफ एक्शन लेंगे ही लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो ये कर रहा है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये, और हमें पूरी आशा है कि हमारी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पूरा इस चीज़ को फिर से रिव्यू करेंगे, और इसको आगे से ऐसा कभी कुछ ना हो उस पर ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और क्वेश्चन जो उठ रहा है वो है कि ये अंदर घुसे कैसे। एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और जो पैर के जूतों, इन्होंने पैर के जूतों में लेके गए थे कैनिस्टर, बाकी तो चेक हुआ था पर जूते चेक नहीं हुए थे, तो ये लेके अंदर चले गए थे। तो अब मेजर्स लिए जा रहे हैं कि आगे से ऐसा ना हो। अभी तो बहुत सारे मेजर लिए जाएंगे, जो प्राइमा फेसिया मेजर्स सामने लिए जा रहे हैं वो है कि सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन है, तो इसको पूरा का पूरा कांच से ढक दिया जाएगा ताकि कोई भी अंदर नहीं आए। और यहाँ पे वैसे भी ऑफिसर्स होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ना कि कोई बैठा हुआ है वो कुछ बोल दे या कर दे, कुछ फेंक दे पार्लियामेंट में अंदर। तो कुल मिला के 8 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया सिक्योरिटी ब्रीच के कारण, और आगे अभी फॉर द टाइमिंग किसी को पासेस भी नहीं दिया जा रहा है, ताकि अगले जो स्टेप्स हैं सिक्योरिटी स्टेप्स हैं वो सब लेने तक ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। तो एक और वीडियो देखते हैं हम, 2001 का जो हमारा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारे जाबाज लोगों ने उस समय हमारा पार्लियामेंट की सुरक्षा करते हुए जान गंवाई थी। वो दिन ये देखिए, उस दिन भी ऐसे ही टेररिस्ट अटैक हुआ था, 13 दिसंबर 2001 की घटना है ये। उन दिन टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। उस दिन तो खैर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मार गिराया था, फिर बाद में काफी लंबा चीजें चली, और इवन डिप्लोमेटिक भी हो गया था, लड़ाई के भी पूरे आसार हो गए थे पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे लोग, और ये लोग तो अपने इंडिया के ही हैं, तो इनके खिलाफ देखते हैं अब क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। और इन लोगों ने अंदर जब
पकड़े गए थे उस समय ये नारा लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बस इतना ही सामने आया है फिलहाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे जो भी होगा हम आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद।